स्वागत है आप सबका। तो आइए अब मेजरमेंट शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक पेपर ले लिया है, मैं आप लोगों को सेंटीमीटर में दिखाने वाली हूँ। जितना भी मैं सेंटीमीटर में ले रही हूँ, इतना ही हम जब कपड़ा कट करेंगे तो हम इंची में लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लेंथ ले रही हूँ 13 इंच। ये ब्लाउज आपने देखा है थंबनेल, तो ये थोड़ा दूसरे स्टाइल का है, इसलिए इसका लेंथ मैं कम रख रही हूँ। अब हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे 6.5 ले रही हूँ। इसे सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ से आर्म होल लेंगे। आर्म होल भी मैं 6.5 ले रही हूँ। अब पहले यहाँ से देख लेते हैं कहाँ तक आ रहा है। इसे सीधा कर लेते हैं। यहाँ से भी 6.5 पे पहले एक मार्क लगा देंगे और फिर यहीं से हम चेस्ट का माप लेंगे। चेस्ट यहाँ पे मैं 10 इंच ले रही हूँ। ये मैं मेरे हिसाब से ले रही हूँ, आप लोग अपने मेजरमेंट के अनुसार लीजिएगा। फिर मैं कमर का माप ले रही हूँ यहाँ पे 9.5। अब इसे सीधा कर लेते हैं। आर्म होल का भी ये लाइन पहले हम ले लेते हैं सीधा। अब ये जो आर्म होल का कोना है, यहाँ से मैं 1.5 ले रही हूँ। ऐसे तो हम लोग 1 लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा दूसरे स्टाइल का है, इसलिए यहाँ पे 5 जो है ये मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये आप लोगों को अभी पता चलेगा क्यों। अब इसे गोलाई कर लेते हैं। पहले अच्छे से गोलाई ले कर लेते हैं इसे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। पहले यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन। अब हम क्या करेंगे, ये जो आर्म होल हमने लिया है, इस गोलाई के यहाँ से 2 इंच पे हम मार्क करेंगे। पूरा राउंड में 2 इंच ऐसे मार्क करते हुए जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए सुंदर सुंदर वीडियो लाती रहती हूँ। और जैसे कि मैं अभी नई हूँ यूट्यूब पे, सो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो ये पहले हम मार्क कर लिया। अब इसे हम यहाँ पे गोलाई कर लेते हैं। इस मार्क के ऊपर से हम इसे गोलाई कर लेते हैं। ये देख सकते हैं मैंने ये गोलाई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, गले का माप लेंगे। गले का जो डीपनेस है ये थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लोग अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं यहाँ पे 6.5 पे मार्क कर रही हूँ। नहीं, मैं ठीक है, मैं 7 यहाँ से 7 ले लेती हूँ, 7 ही ले लेती हूँ। फिर अब यहाँ से इसे राउंड शेप देते हुए यहाँ पे इसके साथ जोड़ लेना है। इसे भी अच्छे से राउंड शेप दे देते हैं। ऐसे राउंड शेप देके इसके साथ जोड़ लेना है। तो ये हमारा बेसिक जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे कट कर लेते हैं। पहले सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कुछ जानना है, यहाँ से भी हम ये जो आर्म होल है इसे भी हम कट कर लेंगे। और ये जो हमारा नेक का साइड है इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पे, क्योंकि ये प्रिंसेस कट बनेगा तो उसका मार्क कर लेते हैं। ये हमारा मिडिल साइड है, तो हम मिडिल साइड के यहाँ से मैं पहले ये 3.5 पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ से 3.5 और फिर यहाँ से 1 इंच, यहाँ से 1, दोनों तरफ 1-1 इंच पे फिर मैंने मार्क कर लिया। और ये आर्म होल के एकदम बीच में से इसे हम ऐसे गोलाई देते हुए लेके जाएंगे, ऐसे राउंड शेप में इसके साथ हम जोड़ देंगे। ऐसे ये बन गया। अब हम
यहाँ से आधा इंच ऐसे लेंगे, यहाँ से भी आधा इंच यहाँ पे जोड़ देंगे, और यहाँ से जो एक इंच हमने लिए है वो यहाँ पे जोड़ देंगे, और इस तरफ भी एक इंच। तो हम ये हमारा प्रिंसेस कट का मार्क कर लिए हमने, इसे हम यहीं से हम कट करेंगे। सो फ्रेंड्स, जब हम फैब्रिक कट करेंगे तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये जो राउंड है यहाँ पे हमें आधा इंच ज़्यादा चाहिए कपड़ा, और ये जो आर्म होल का जो ये पार्ट है यहाँ पे भी, ये जो इस तरफ जो राउंड है बाहरी साइड, यहाँ पे भी हमें आधा इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है। तो ये हमारा फ्रंट साइड है। अब ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट का भी मैंने बेसिक जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो आर्म होल का जो पार्ट है, पहले मैं इसे यहाँ पे रख के एक मार्क कर लेती हूँ। ऐसा मार्क कर लिया हमने। अब इसका जो आर्म होल का साइड है पीछे का, वो हमें नहीं चाहिए, ये जो फ्रंट साइड से हमने काटा है यही हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पीछे का पार्ट जो नेक है इसका डिप कितना, गला हमें कितना रखना है ये लेंगे। तो जितना भी आप लोग को चाहिए आप उतना रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 इंच ले रही हूँ सेंटीमीटर में। अब इसे हम राउंड शेप दे के यहाँ कोना तक हम लेके आएंगे। ये ले लिया है, इसे अच्छे से राउंड शेप दे देते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। यहाँ तक हम लेके आएंगे। अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, हमारा पीछे का पार्ट है। तो ये देख सकते हैं मैंने लाइनिंग कट करके और ये मेन फैब्रिक पे ये मैंने पिनअप कर लिया है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये जो शोल्डर की तरफ जो आने वाला है इसे हमेशा फोल्डेड साइड रखेगा, और मेन फैब्रिक ये डबल फोल्ड में है। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने दो पार्ट में बनाया है, ये कटिंग का है और स्टिचिंग का हम अगले वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।